So, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीपीसीटी एग्जाम दे दे के थक चुके हो और आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन आप अभी तक पास नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक लेके आया हूँ जिसको एक बार में आप पढ़ के सीपीसीटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो उस बुक में सारी चीजें आपको डिटेल में सब कुछ देखने को मिलेगा और सारी चीजें आपको डिटेल में मैं एक एक चीजें वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। कंप्यूटर आपकी टोटली पूरी सीपीसीटी बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको आपके जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो सीपीसीटी के क्वेश्चंस है, नए पुराने सारे उसमें देखने को मिलेंगे। प्लस आपको उसमें थ्योरी भी मिलेगी, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू के बाद उस थ्योरी के आपको जो फुल फॉर्म्स है वो फुल फॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपकी पूरी कंप्लीटली बुक आपको यहाँ पर मिलने वाली है सीबीसीटी की, जो कि अभी तक आपके मार्केट में ऐसी बुक नहीं आई है ये, जिसमें आप एक बार में बुक को पढ़ के आप सीबीसीटी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजिली। तो कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल भी नहीं बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। सीपीसीटी आज के जमाने में यदि आपको नौकरी लेना है तो सीपीसीटी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीपीसीटी निकालने के साथ साथ भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो टफ आने लगा है, तो उस टफ वाले सेक्शन को देखते हुए यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट बुक लाया हूँ। यदि आप इस बुक से पढ़ते हो तो एक बार में 101% आप सीपीसीटी का एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो जो मैं बुक बता रहा हूँ वो आपके सामने ये बुक है, ये है आपकी योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक है, आप ये देख सकते हो, जो कि आपको मैं फ्रंट कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और एमेजोन पे देखने को मिल जाएगी इजिली, और आपकी जो देख सकते हो बुक इस प्रकार से, आपका जो इसका कंटेंट है वो कंटेंट भी बताऊंगा। जो है ये योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सीपीसीटी ब्रह्मास्त्र संपूर्ण क्लासेस नोट्स, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। प्लस इसमें आपके सीपीसीटी के नवीन पैटर्न पर आधारित है और योगेंद्र पब्लिकेशन की है, जो कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको जो देता है वो ऐप पे और यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कंटेंट की बात करते हैं अपन, और आप पीछे से भी दिखा देता हूँ, पीछे से कुछ इस प्रकार की आपकी दिखती है। आपकी नजदीकी बुक शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी और आपको फ्लिपकार्ट एमेजोन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके। मैं पहले कंटेंट बताता हूँ कि इस बुक का कंटेंट कैसा है, उस कंटेंट को देखने के बाद ही आप इस बुक को परचेस करना और एक बार में आप ये सीपीसीटी एग्जाम कंप्यूटर का सेक्शन निकाल सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं बुक का कंटेंट। तो ये है आपकी सीपीसीटी का फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार का। मध्य प्रदेश सीपीसीटी ब्रह्मास्त्र संपूर्ण क्लास नोट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सब कुछ चीज आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्रंट आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इसमें आपका सीपीसीटी का थोड़ा सा पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, पैटर्न कुछ इस प्रकार से। इसमें सीपीसीटी परीक्षा की संपूर्ण जानकारी आपको पता होगा कि आपका एक पहले पेपर होता है 75 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपके 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग, 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होती है, ये हो गया आपका। फिर 15 मिनट आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शन और स्विच ओवर बिटवीन द लैंग्वेज एंड आपको 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है बीच में। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी वो है आप इस परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। स्कोर कार्ड है वो 7 साल के लिए आपका वैलिड होता है। ये आपका सेक्शन है सीपीसीटी स्कोर कार्ड का। 38 मार्क्स का आपका जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, पास होने के लिए। और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश टाइपिंग और 30-20 पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ये आपका जो है पैटर्न आपका रहने वाला है 52 नंबर का कंप्यूटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, एप्टीट्यूड 6 नंबर की और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 6 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 6 नंबर का। ये आपका आने वाला आगामी कैलेंडर है कुछ इस प्रकार से। 29 नवंबर को अभी आपका है, ठीक है, जो आप दे सकते हो। 10 जनवरी को है। इस बुक से आप पढ़ के एकदम कम्प्लीटली एक बार में पास कर सकते हो। और 14 मार्च 2025 में है, जो उसमें आपको दे सकते हो। फिर आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं इस बुक का। इंडेक्स पे देखने के साथ आपके जहाँ पर जो फाउंडर है वो फाउंडर देख सकते हो, और आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और आपके सीपीसीटी की ऑनलाइन बैच है वो भी आप यहाँ पर उनके ऐप से 199 रुपीज़ में देख सकते हो। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इंडेक्स, फिर इंडेक्स के बाद मैं आपको इसको पूरा पैटर्न भी समझाऊंगा। तो इंडेक्स में आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हो, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय, मेमोरी, आपकी मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इंटरनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस, एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आईटी टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, मल्टीमीडिया, लॉगिन, लॉजिक गेट, ओपन ऑफिस राइटर,
ऐसा करके तमाम इसमें सारे जो सीबीसीटी के जो भी आपके टॉपिक है और उससे एक्स्ट्रा एडवांस आपको आपके इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं आपके टॉपिक की, तो आपको यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए अपन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में। और आपको ये है कि आपको ऐसा इजीली आपको बायोलिंगुअल, आप यदि इंग्लिश मीडियम से भी तो आप आसानी से समझ सकते हो, ये पढ़ के बायोलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो नंबर सिस्टम का, कुछ इस प्रकार से चार्ट बना के आपको मिलेगा। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सल नंबर, और इसके एग्जाम्पल भी आपके नीचे लिखी कुछ इस प्रकार से इनको दर्शाते हैं। बात करते हो नंबर सिस्टम ऑफ कन्वर्जेशन कंप्लीट ट्रिक। तो ये नंबर सिस्टम डेसिमल की कंप्लीट ट्रिक है कि कैसे उसको इंटू करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनरी 2 into 2, ऑक्टल into 8 और हेक्साडेसिमल into 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन करके बताया, वो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये सारी चीज़ आपको सीबीसीटी पास करने के लिए बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपको आपकी सीबीसीटी एक बार में आपकी जो एग्जाम निकल जाएगी। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो यहाँ पर आपका सबसे है कि आप देख सकते हो यहाँ पर सीपीसीटी की विभिन्न परीक्षाएं पूछे गए प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग अच्छे खासे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो लाल के लिए हेक्साडेसिमल रंग कोड कलर कोड क्या है, ठीक है। तो कलर कोड यहाँ पर आपका पूछा है, तो कलर कोड आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन है ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाले का ऑप्शन आएगा FF00000। तो ऐसे आपके क्वेश्चन सीपीसीटी में देखने को मिलते हैं, और ये सारे सीपीसीटी के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे गए हैं सीपीसीटी के। हर टॉपिक के बाद आपके सीपीसीटी के क्वेश्चन जो है आपके वो कवर करे हैं, और फुल फॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। फुल फॉर्म्स भी आपको हर सीपीसीटी के क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर एक परिचय, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक टॉपिक है, और सारी जो बुक है वो आपको बुक में पूरा डायग्राम से समझाया गया है, जो डायग्राम आप देख सकते हो, एक एक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। फिर यहाँ पर डायग्राम के बाद आपके जो सीपीसीटी में पूछे गए प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके जैसे लाइनेक्स के संसाधन आवंटन के लिए कौन सी डिक्रिप्टी जिम्मेदार है, तो ये आपकी कर्नल। तो ऐसे करके आपके ये जो है ये टॉपिक्स है, और टॉपिक्स के बाद उसी टॉपिक के आपके सारे जो फुल फॉर्म्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ये कंप्यूटर की भाषा, तो कंप्यूटर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी कितने टाइप की होती है, लो लेवल, हाई लेवल। फिर इसके अंदर मशीनरी, असेंबली। फिर इसके अंदर आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आप चले जाओगे तो फोटोन, आपके अलावा कोलाब, बेसिक, लोगो, पास्कल, सी। फिर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी जो आज के ज़माने में चल रही है, C++, जावा, CS, फिर आपकी पाइथन, रबी, ये सारी आपकी जो लैंग्वेज है वो अभी रिसेंटली आपकी बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। फिर आपके आप देखें तो आपको जैसे डायग्राम से समझाया गया है कि डायग्राम से आप कैसे आसानी से समझ सकते हो, स्टार्ट, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, फ्लो लाइंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आप बात करते हो तो इनके आपको देखने को मिलेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर देखेंगे आप आगे चलेंगे तो इस टॉपिक के आपके फुल फॉर्म्स है, वो फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं तो नया टॉपिक देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि आपको बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, उसके अलावा जो भी डीप टॉपिक है वो डीप टॉपिक भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका लैन जो मिलेगा, आपको लैन मैन, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। OSI मॉडल ये देख सकते हो, OSI मॉडल, डाटा लिंक लेयर, ये सारी चीज़ आपको इसलिए कम्प्लीटली इस बुक में दी गई है। तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट में आपको हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, राउटर, रिपीटर, सबके आपके जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाए हुए आप देख सकते हो। मॉडेम का है यहाँ पर, आप राउटर का देख सकते हो। ऐसा करके आपको बस टॉपोलॉजी, ऐसे TCP/IP एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायग्राम से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने में, और समझने के साथ साथ जो भी आपके सीबीसीटी में नए टॉपिक हैं वो सारे नए टॉपिक इस बुक में आपको ऐड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर आपके जो नया टॉपिक है उस नए टॉपिक के आपके यहाँ पर MCQ देखने को मिल जाएंगे, जो सारे सीबीसीटी में आपके रिपीट हुए हैं। फिर यहाँ पर आपके फुल फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, आप फुल फॉर्म्स भी आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग जो भी नए नए फुल फॉर्म्स आपके सीबीसीटी में पूछे जाते हैं। इंटरनेट ये टॉपिक है, टॉपिक इंटरनेट, इसमें आप देख सकते हो सीबीसीटी का, इसमें आपका देख सकते हो द वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है, www.com। इसके आगे अलावा देखोगे तो आप यहाँ पर हाइपरलिंक, बुकमार्क, और ये डायग्राम से आपको समझ सकते हो। जैसे चार्ट बना है इंपॉर्टेंट ब्राउजर नेम, तो ये ब्राउजर नेम आपके पूछे जाते हैं, याद कर लो। टाइप ऑफ डोमेन्स, ये आपके डोमेन्स होते हैं .com, .org, .net, .e, एजुकेशन वाला, तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में दी गई है। और भी आप देख सको तो पीछे आप जाओगे तो पीछे आपको यहाँ पर सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के MCQ देखने को मिल जाएंगे। MS Excel आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो, MS Excel के जो भी सारे टॉपिक हैं
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वो सारे डिटेल में यहाँ पर दिए गए, एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007, उसके अलावा जितने भी एमएस एक्सेल आपके हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको सारी चीज़ें एमएस एक्सेल के अलावा सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है, जिसमें आप कैसे इंसर्ट टैब करके आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके चार्ट देखने को मिल जाएंगे, जो चार्ट की जो पाई चार्ट होता है वो पाई चार्ट हुआ आपका, ठीक है, आपका जो डॉगनट चार्ट हुआ, रडार चार्ट हुआ, वो सारे चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखने के अलावा उसमें आपका एक्सेल के जो मेन इंपॉर्टेंट वो होते हैं, एक्सेल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब करके आपको ये कम्प्लीटली बुक बहुत अच्छी है सीपीसीटी के लिए, यदि आप एक बार पढ़ोगे तो एक बार में आप पास हो जाओगे। और यहाँ पे आप आसानी से इस बुक को यदि आपने एक बार पढ़ लिया और इम्पोर्टेंट पढ़ लिया इसमें से, तो एक बार में आप आसानी से सीपीसीटी निकाल सकते हो। इस बुक की प्राइस कितनी होने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आपको कितने की पड़ेगी ये बुक। आपको लगभग आप मान के चले तो ये आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और फ्लिपकार्ट पे मिलने के साथ साथ आपको आपके नज़दीकी बुक शॉप पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस बुक की प्राइस इसमें तो आपकी 390 रुपये लिखे, बट आपको डिस्काउंट के साथ थोड़ा आपको कम में डिस्काउंट में मिल जाएगी, कम डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो आप ये नंबर दिया, इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। उसके अलावा आपको फ्लिपकार्ट पे चाहिए तो फ्लिपकार्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप अपने नज़दीकी बुक शॉप पे, किसी भी बुक शॉप पे जाके बुक्स ले सकते हो। तो ये है आपकी ब्रह्मास्त्र।